हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। और आई होप आप सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश बहुत ज़रूरी है करते रहना, ताकि हम कम से कम कोशिश करेंगे तो भी कुछ परसेंट अपनी लाइफ में हासिल करेंगे। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को ध्यान कर लें, उनका नाम ले लें मन में, और प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लानिंग करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ की। ओके, रीयूनियन, बैलेंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, दोनों के दोनों किंग एंड क्वीन आ गए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को प्लान कर रहे हैं रीयूनाइट होने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल और आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरीके की जो हो सकता है उनके फादर और मदर दोनों ही उनके अगेंस्ट हों, आपको लेकर उन दोनों को यहाँ पर मनाने के भी बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और उसी सिचुएशन को मैनेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें मेरी ठीक हो जाएं और हम एक हैप्पीली आगे थ्री की एनर्जी आई। डेफिनेटली एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लें। यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्लियर करने के लिए, एक सिचुएशन वो ख़त्म करके दूसरे सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। हो सकता हो कोई पर्सन हो, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर, जैसे मदर और फादर दोनों ही हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सन के साथ में इस सिचुएशन में बैठ ना रहे हों, खुश ना हों, डोमिनेट कर रहे हों, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो उनको मनाने की भी यहाँ पर बात दिखाई दे रही है। उनके साथ डील करने की, उनको सिचुएशन को हैंडल करने की भी बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्रेफुल कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि मेरी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए, मेरा करियर अच्छा हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ सही हो जाए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ सही हो जाए, मेरे पार्टनर के साथ मेरा सारा चीज़ ठीक हो जाए, मेरी फैमिली मान जाए और मेरी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँ, बैलेंस्ड हो जाए। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, फिर उसमें आप भी आते हैं, जाहिर सी बात है अपनी चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी उसमें आते हैं। रीयूनाइट करना चाहते हैं आपके साथ, इसके लिए बाकी सारी चीज़ें जो जो आपके साथ में रोड़ा बन रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए उसके बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। कैसे उन चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि हम इस ऊर्जा में आ सकें, इस रीयूनियन वाली एनर्जी में आ सकें, सेलिब्रेट कर सकें, खुश हो सकें, अपने पर्सन के साथ हम बात कर सकें, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकें, अपनी फैमिली को मना सकें। आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो दे रहे हैं कि चीज़ें मैनेज हो जाएँ आपकी। एक्चुअली में हो सकता है आपके पर्सन का यहाँ पर कुछ साइंस दिए जा रहे हो, जो साइंस जो है हो सकता है वो समझ ना पा रहे हो, इसलिए हो सकता है उनको बार बार सिंक्रोनाइजेशन हो रहा हो, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर समझ ना आ रहा हो। तो उनको ये समझने की भी ज़रूरत है कि उनको वो साइन जो है वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। तीन नंबर आया हुआ है यहाँ पर, 3-3 की एनर्जी आई हुई, तो तीन नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 3 दिन, 3 घंटे और 3 वीक्स मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों के पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। 3 महीने भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए एक बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण अवस्था में बैठकर बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। उनका जो रास्ता है जो कि कठिन है, उसको क्लियर कैसे करना है, दो दो कार्ड आ गए हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे ठीक करना है, अपने फादर को कैसे मनाना है, अपनी सारी जो रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उन्हें देखना कैसे है, सारी चीज़ें क्लियर आउट कैसे करना, एक फिगर तैयार करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और आपके साथ, तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, सारी चीज़ें मेरी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ में कैसे आएगी, पटरी पर कैसे आएगी, उसका एक ग्राफ बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि मैं अचीव करूं और अपनी चीज़ों में और बेहतर करूं, ताकि मुझे जो ये पर्सन जो कि मेरे साथ फेवर में नहीं है ये फेवर में हो सके, साथ ही साथ चीज़ें ठीक हो सके। हील कर रहे हैं खुद को, इसी सिचुएशन से निकलने के लिए खुद को हीलिंग में दे रहे हैं, खुद को सांत्वना दे रहे हैं, खुद को मेंटली रिलैक्स कर रहे हैं ताकि इस रिलेशनशिप में वापस एक जान डाल सके, वापस रीयूनाइट हो सके। मैंने कहा ना रीयूनियन के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन जो आपके साथ वापस पाने के लिए, आपको वापस पाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल से हो सकता है प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मुझे वापस दे दो, मुझे मेरी विशेष वापस दे दो, मुझे चीज़ें मेरी वापस मिल जाएं ताकि हम खुश रह सकें। इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है खुद को हील करने में लगे हुए हैं, रिलीज़ कर रहे हैं सारी नेगेटिविटी, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, शांति से यहाँ पर प्लान बनाने के बारे में सोचते हुए नज़र। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, प्लान कर रहे हैं।
तो ये आपके पर्सनल कुछ करंट थॉट्स हैं, आई होप आपको अच्छे लगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।